आपका जो टॉपिक्स है मॉक टेस्ट वन का फाइव क्वेश्चन यहीं पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ये फाइव क्वेश्चन आपको गारंटीड का साथ 20 मार्क्स दे सकता है। क्लियर? ये फाइव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम क्लास 11 मैथ, सो दैट इज सेफ रिलेशंस, फंक्शंस, लॉगरिथम, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज वेल एज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मुझे जो लगता है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज है। इफ यू वांट टू गेट वेरी गुड मार्क्स, दैट मीन्स 150 प्लस मार्क्स पाने के लिए ये क्वेश्चन को आपको अच्छा से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट इज सेट थ्योरी से है। सो दैट इज लेट ए एंड बी वी टू सेट कंटेनिंग टू एंड फोर एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए प्लस बी हैविंग थ्री और मोर एलिमेंट्स इज, ये आपको फाइंड करना है। ए जी मेंस 2013 का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ए इक्वल टू 2, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 4, नंबर ऑफ ए प्लस बी सो ऑब्वियसली यू कैन से 8 है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा 2 to the power 8। आपको फाइंड करना है हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स, इसीलिए 2 to the power 8 माइनस 8c0, 8c1 एंड 8c2 है। इसको सिंप्लीफाई करो, सो दैट इज इक्वल टू 219। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दैट मींस सी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम फंक्शंस देखो। सो दिस इज इफ इज अ फंक्शन फ्रॉम R टू R, we define as fx equal to this for every x belongs to R, then the range of a, 2019 में equation पूछा गया था, clear? So fx equal to this, a जो functions है, a functions और functions है, और functions का geometrical significance है, that is symmetrical about the origin है, clear? So that means that if your put mirror is here and if you look this graph on this mirror, तुम्हें a दिखाई देगा। जब x का वैल्यू 1 तुम्हें हाफ देगा, x का वैल्यू -1 -1/2 देगा। क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, सो रेंज ऑफ a, सो दैट इज इक्वल टू -1/2 से +1/2, सो दैट इज a ऑप्शन इज द राइट चॉइस है। आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको अच्छा से तब तक प्रैक्टिस करते रहना चाहिए जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर इट, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सो नाउ अनदर क्वेश्चन, सो दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो क्वेश्चन है देखो, अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स ऑफ द इक्वेशंस दिस, देन अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15, ए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। सो दैट मींस के इसको सिंपलीफाई कर लो तो ए x इक्वल टू दिस, तो ए पॉजिटिव 1 अल्फा एंड नेगेटिव 1 इज बीटा, अल्फा इज दिस, अल्फा स्क्वायर का फाइंड कर लिया एंड बीटा इज दिस, तो बीटा स्क्वायर का भी फाइंड कर लिया। लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15। तो यह कहीं पे इसको इस फॉर्म में लिखोगे एंड अल्फा स्क्वायर का वैल्यू लिख दिया, बीटा स्क्वायर का वैल्यू लिख दिया, सिंपलीफाई किया, सो दैट इज व्हाट, सो यू हैव गॉट, सो दैट इज -256। सो डी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है। ज्यादा मार्क्स चाहिए सो आपको जेई मेन पी वाई क्यू का ऊपर अच्छा से कमेंट करना पड़ेगा। नाउ अनदर क्वेश्चन, सो दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस हैं फैंटास्टिक क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चंस देखकर आपको बेवकूफ बना सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर? ये जो क्वेश्चंस हैं देखो, इफ अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स ऑफ दिस, ठीक है, देन बीटा इज 4 ऑप्शंस इज देयर। ये जो क्वेश्चंस है, सो दिस क्वेश्चंस 2020 में ये क्वेश्चंस को पूछा गया था। क्लियर? सो दिस इज अभी एक जस्ट सिंपली सॉल्व करो, 2x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस 1, तो आपको क्या मिलेगा, सो दिस ए क्या है साइन 18, ए अल्फा है, ए बीटा है, सो दैट मींस अल्फा इज इक्वल टू दिस साइन 18 है, बीटा इज इक्वल टू दिस माइनस कॉस 36, कॉस 36 को ऐसा करके लिखा माइनस 1 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 1, यहीं पे क्लियर अल्फा तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सो दैट इज इक्वल टू दिस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू दिस, सो इसका जो वैल्यू है, सो दैट मींस क्या, यहीं पे जो ऑप्शंस है, सो बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है। क्लियर? नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम, सो दैट इज व्हाट, लॉगरिथम। लॉगरिथम में ये क्वेश्चन पूछा था जेई एडवांस 2000s में, ये क्वेश्चन को पूछा था, तो यह नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस, इस पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा ये आपको फाइंड करना है, लॉग ऑफ दिस इक्वल टू दिस,
log of 2 square equal to this. So ये जो 2 square है ये बाहर आता है तो half हो जाएगा cross multiply कर दो. So that is equal to is what? Twice of this. So you can write log of x minus 1 by square. Base को remove कर दो. So what you get? X minus 1 equal to this. यहीं पे x minus 1, 1 के लिए तो valid नहीं है. इसलिए 1 should be x is not equal to 1. So that means that this is cancel. So x minus 1 equal to 1, x equal to 2. So that means whatever you got, you have got number of solutions. So that is 2 है. Sorry, number of solutions. So that is 1 है. So my dear friends, if you want to get very good marks in JEE and mathematics, ये सारे mock test का ऊपर आपको अच्छा से comment करना पड़ेगा. Mock test देने के बाद आपका अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस देन यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रॉपरली. दैट्स ऑल.